एक विचारधारा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, ये कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव का। पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पुराने कांग्रेसी नेताओं को सम्मानित करने की कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष ने ये बातें कही। झारखंड कांग्रेस ने स्थापना दिवस पर तिरंगा यात्रा भी निकाली। इसमें स्थापना दिवस को पार्टी ने धूमधाम से मनाया। कांग्रेस ने इस मौके पर शहीद चौक से राजभवन तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस नेता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। राजभवन के समक्ष स्थापना दिवस के मौके पर 20 पुराने कांग्रेस नेताओं को रामेश्वर उरांव, सुबोध कांत सहाय ने सम्मानित किया, जिसमें अमानत अली, अनादि ब्रह्म, कामता उपाध्याय, गुलफाम मुजीबी जैसे पुराने नेता शामिल थे, जिन्होंने पार्टी की दशकों तक सेवा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस को पीपल बनाने में इन जैसे नेताओं का योगदान है, जिन्होंने पार्टी को सींचा है। पहले के इसको कहिए प्रेसिडेंट्स को कहता था कि सबको लेके साथ चलो, तुम उम्र के हो, इसका मतलब नहीं है कि ज्यादा उम्र के लोग बेकार हो गए। वो इस पीपल के जड़ में पानी दिए हैं, तब ये पीपल बचा हुआ है ना, उसको भूलो मत। कोरोना में हम तो और जगह करते हैं, लेकिन कोरोना पीरियड में अभी मूवमेंट बंद है, इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन हम आगे और करेंगे। हम इसको प्रखंड स्तर पर ले जाएंगे। जो पुराने कांग्रेसी हैं छूटते जा रहे हैं, हम मानते हैं कि छूट रहे हैं बेचारे, आगे बढ़े, कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लेकिन पुराने जो तपे तपाए नेता हैं हमारे, वो छूटते चले जा रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने देश के वर्तमान हालात को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस के 136 वर्ष के इतिहास को गौरवशाली बताया। बहुत ऐसे वक्त में हम जमा होकर मना रहे हैं जब वर्स्ट पीरियड ऑफ द कंट्री, जिसको कहा जाए देश का सबसे बुरा दौर है। एक रोड पर पूरा देश का अन्नदाता रोड पर है, और उसके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, कभी उसको देशद्रोही कहा जा रहा है, कभी आतंकवादी कहा जा रहा है, और हम नहीं मानेंगे। तो मोदी जी कोई किसान के विरोधी आज नहीं है। याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 में आते के साथ उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल खत्म किया था। कांग्रेस के स्थापना के 136 साल हो गए हैं। झारखंड में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस के इतिहास की जानकारी पार्टी नेताओं ने दी, साथ ही इस बात पर भी फक्र महसूस किया कि कांग्रेस के लिए वे अपना वक्त दे रहे हैं, साथ ही इस बात का संकल्प भी लिया कि कांग्रेस के विचारधारा को जीवित रखेंगे। कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 भारत, रांची।